हेलो फ्रेंड्स, दोन मशरूम्स एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। देखिए, आज मैं आपको थोड़ा सा एक अपने विषय से थोड़ा सा अलग दिखाने की कोशिश करता हूं। आज हम एक बाग के अंदर आए हैं, एक फार्म, ये कश्मीरी एप्पल बेर के फार्म की मैं विजिट करवाता हूं आपको। ये देखिए, कुछ ज़्यादा वेल मेंटेन्ड आप इसको नहीं कह सकते, लेकिन बेर अच्छी क्वालिटी है, क्वांटिटी उतनी अच्छी नज़र नहीं आएगी। ये मैं आपको देखिए, ये दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा आगे चल के दूसरे पेड़ के ऊपर दिखाऊंगा। ये देखिए, यहाँ पे ये बहुत अच्छी तरह से इसकी केयर नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से देखिए ये बहुत सारी ब्रांचेस टूट के नीचे गिर गई हैं। इसमें आपको ये ख़ास तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि आप इसको कैसे मैनेज करेंगे। अगर आप मैनेज नहीं करते हैं तो बहुत लॉस होता है। जैसे देखिए, उन्होंने ये टाई किया हुआ है। इसकी बजाय मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ कि आप यहाँ थोड़ा सा इस पर बैम्बू की सपोर्ट लगा सकते हैं साइड में, सभी ब्रांचेस को होल्ड करने के लिए। यहाँ देखिए, ये थोड़े से अच्छे फ्रूट्स आप देख सकते हैं। ये देखिए, वो बैम्बू जैसे उन्होंने लगाए हुए हैं एक जगह, मैं वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, जैसे ये सपोर्ट इन्होंने लगाई है, ये इसमें थोड़ी सी काफ़ी अच्छी मदद कर सकती है फार्मर्स की। ये देखिए, आप इस तरह से कुछ लगा सकते हैं। ये देखिए ऊपर, इसकी सहायता से, जैसे देखिए इन्होंने इस इधर नहीं लगाया, इस ब्रांच के ऊपर, तो ये देखिए कितनी नीचे झुक गया, और ये इन्होंने जो ऊपर होल्ड किया है ये बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर चली गई है। तो आपको ये ख़ास ध्यान रखना है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उससे आपको बहुत लॉस हो जाता है। ये देखिए, ये भी अभी जैसे जैसे फ्रूट का साइज़ बढ़ेगा, ये नीचे की तरफ झुकती जाएंगी। और ये देखिए, ये यहाँ भी इस पर फ्रूट अच्छे आए हैं काफ़ी, ये आप देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल एक एक जगह पूरे गुच्छों में आप देखेंगे यहाँ पे इनकी, हालांकि ये काफ़ी फल झड़ भी रहे हैं। और ये देखिए, ये भी सपोर्ट जैसे मैंने आपको बताई थी, ये इस तरह से इन्होंने सपोर्ट दिया इधर से, ऐसे लगा के आप भी ये सपोर्ट दे सकते हैं। ये देखिए, जहाँ पे आप सपोर्ट नहीं देंगे उस पर, ये देखिए इस तरह से ये कुछ ऐसे नीचे बिल्कुल ज़मीन के साथ लग जाते हैं, तो इससे फ्रूट की क्वालिटी तो ख़राब होती है, साथ साथ में फ्रूट का लॉस भी बहुत होता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर कोई भी साथी एप्पल बेर के बारे में आगे फार्मिंग की सोच रहा है, तो ये जो बहुत ज़रूरी एक इम्पोर्टेंट आप इसको मान सकते हैं कि इस तरह से ये लगा के रखना है। और ऐसे बांधने से भी हालांकि थोड़ा सा फ़र्क इससे भी आपको सपोर्ट मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।